हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 12 दिनों से हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं और यह बायोडाइवर्सिटी जियोग्राफी का ही एक टॉपिक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन जियोग्राफी में हमारे भारत देश में जो भी संकटापन्न पशु या पक्षी है, IUCN की रेड लिस्ट में जिन पशु या पक्षियों को शामिल किया गया है, ऐसे भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण पक्षियों और प्राणियों की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है? तो जो स्टूडेंट्स कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और बीच में कुछ क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रखूंगा और आपको सोचना है कि सही आंसर क्या बनेगा। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कल हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की थी, ठीक उसी तरह आज हम 5 से 7 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, यानी कि हमारे भारत देश में संकटापन्न प्रजाति है और हमारी भारत देश की सरकार के द्वारा यह संकटापन्न प्रजाति को बचाने के लिए जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं लागू की गई, उनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गिद्ध परियोजना, यानी कि प्रोजेक्ट वल्चर की। तो सबसे पहले हम गिद्ध परियोजना की बात करें तो गिद्ध को सफाई पक्षी माना जाता है, कौवे को भी सफाई पक्षी माना जाता है, ठीक उसी तरह गिद्ध को भी सफाई पक्षी माना जाता है। और यह मरे हुए पक्षियों या पशुओं को खाता है, जिनसे नाना प्रकार की बीमारियों के फैलने का डर रहता है। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती है। क्या हमारे भारत देश में गिद्धों की यानी कि वल्चर्स की 9 स्पाइसिस है, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। एक है ओरिएंटल यानी कि सफेद कमर वाले गिद्ध, दूसरी प्रजाति है पतली चोंच वाला गिद्ध, तीसरी प्रजाति है लंबी चोंच वाला गिद्ध, चौथी प्रजाति है भारतीय ग्रिफन गिद्ध, पांचवी प्रजाति मिस्र का गिद्ध, छठी प्रजाति लाल हाथ वाला गिद्ध, सातवीं प्रजाति हिमालयन ग्रिफन गिद्ध, आठवीं प्रजाति दाढ़ी वाला गिद्ध और 9वीं प्रजाति है खाकी गिद्ध। तो हमारे भारत देश में गिद्धों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 9। एक बार फिर से नाम पढ़ लेते हैं। ओरिएंटल यानी कि सफेद कमर वाले गिद्ध, पतली चोंच वाला गिद्ध, लंबी चोंच वाला गिद्ध, भारतीय ग्रीफन गिद्ध, मिस्र का गिद्ध, लाल हाथ वाला गिद्ध, हिमालय ग्रीफन गिद्ध, दाढ़ी वाला गिद्ध और खाकी गिद्ध। इसी तरह हमारे भारत देश में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती है। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से किस पक्षी को सफाई पक्षी माना जाता है? बताइए, निम्न में से किस पक्षी को सफाई पक्षी माना जाता है? कौवा भी सफाई पक्षी है, गिद्ध भी सफाई पक्षी है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि गिद्ध और कौवा दोनों सफाई पक्षी है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। एक और क्वेश्चन, भारत में गिद्धों की कितनी प्रजातियां यानी कि स्पाइसिस है? हमारे भारत देश में गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 9 प्रजातियां पाई जाती है। और इनमें से सफेद कमर वाले गिद्ध क्या, व्हाइट बेक्ड वल्चर्स, और लंबे चोंच वाले गिद्धों की संख्या तीव्र गति से कम हो रही है। हमारे भारत देश में यह सफेद कमर वाले गिद्ध और लंबे चोंच वाले गिद्धों की संख्या तीव्र गति से कम हो रही है, और इनके पीछे की वजह क्या है आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको उन दवा का नाम याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भारत की गिद्धों की उपरोक्त जातियां संकटमय श्रेणी यानी कि इनडेंजर्ड स्पाइसिस में सम्मिलित है। IUCN की संकटमय श्रेणी में यह दोनों जातियों को शामिल किया गया है। कौन कौन सी प्रजाति? सफेद कमर वाला गिद्ध और लंबी चोंच वाला गिद्ध। गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण डिक्लोफेनेक सोडियम, कौन सी दवा है? डाइक्लोफेनेक सोडियम है, जो किडनी को प्रभावित करता है। इन संकटमय परिस्थितियों को देखकर 2004 में भारत सरकार ने गिद्धों के संरक्षण की विशेष योजना तैयार की। दोस्तों, हमारे जो पालतू पशु है, पालतू पशु यदि कोई बीमार हो जाता है तो उन्हें दवाई के रूप में कौन सी दवा दी जाती है? डिक्लोफेनेक सोडियम।
और यह डिक्लोफेनिक सोडियम कभी विघटित नहीं होती, लेकिन हमारे पालतू पशु के शरीर में जमा हो जाती है। और हमारा पालतू पशु जब मर जाता है, तब गिद्ध जब हमारा यह पशु खाता है, तब डिक्लोफेनिक दवा यह गिद्ध के शरीर में जाती है। और यह गिद्ध के कौन से अंग को प्रभावित करती है? किडनी को प्रभावित करती है। और इसीलिए गिद्धों की संख्या तेजी से कम हो रही है। तो याद रखना, गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण डाइक्लोफेनिक सोडियम, कौन सी दवा? डाइक्लोफेनिक सोडियम है जो किडनी को प्रभावित करता है। इन संकटमय परिस्थितियों को देखकर 2004 में भारत सरकार ने गिद्धों के संरक्षण की विशेष योजना तैयार की थी। अब आंसर बताइए, भारत सरकार ने गिद्धों के संरक्षण की विशेष योजना कब तैयार की थी? भारत सरकार ने गिद्धों के संरक्षण की विशेष योजना साल 2004 में तैयार की थी। डिक्लोफेनिक सोडियम दवा निम्न में से किस पक्षी के मौत के लिए जिम्मेदार है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? गिद्ध के, वल्चर के। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, डिक्लोफेनिक सोडियम दवा या गिद्ध पक्षी के मौत के लिए जिम्मेवार है। सही आंसर ऑप्शन सी। लो एक और क्वेश्चन, डाइक्लोफेनिक सोडियम गिद्ध के शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? या डाइक्लोफेनिक सोडियम नामक जो दवा है वो गिद्ध के शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो दोस्तों, यह जो दवा है वो किडनी को प्रभावित करती है। सही आंसर बनता है ऑप्शन ए। आगे दोस्तों, ग्रेट इंडियन सोहन चिड़िया, जिसे हम इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, उनकी बात करें, यह भी अति संकटापन्न श्रेणी में शामिल है। और दोस्तों, हाल ही में कुछ गिने चुने यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही हमारे भारत देश में बचे हैं, और वो भी कहां? राजस्थान में। सोहन चिड़िया अथवा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान मरुस्थल के घास के मैदानों में पाई जाती है। याद रखना, यह पक्षी कहां पाया जाता है? तो राजस्थान मरुस्थल के घास के मैदानों में यह पाया जाता है, और इस पक्षी की संख्या निरंतर घट रही है। इसी कारण सोहन चिड़िया को IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में सम्मिलित किया गया है, और विश्व में इसकी संख्या तीव्रता से घट रही है। हमारे भारत देश के लिए यह एक चिंता का विषय, और विश्व के लिए भी चिंता का विषय कि यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या तेजी से घट रही है। आंसर बताइए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्न में से किस राज्य के घास के मैदानों में पाई जाती है? यह पक्षी निम्न में से किस राज्य के घास के मैदानों में पाया जाता है? तो याद रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान मरुस्थल के जो घास के मैदान है वहां पाए जाते हैं। सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। आगे बात करें, बर्फ में रहने वाला तेंदुआ, क्या यह बर्फ में रहने वाला तेंदुआ इंग्लिश में बोले तो स्नो लेपर्ड? बर्फ में रहने वाले तेंदुए का आवास उच्च हिमालय यानी कि वृक्ष रेखा, जिसे हम ट्री लाइन कहते हैं, और तकरीबन हमारे 3000 मीटर से ऊपर, यानी कि हमारा जो हिमालय क्षेत्र है, यह हिमालय क्षेत्र में 3000 मीटर से भी ऊपर यह स्नो लेपर्ड पाया जाता है। और वे जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। तो यहां मैं आपको इंडियन मैप के जरिए समझाना चाहूंगा कि यह हमारा जम्मू कश्मीर, आगे और इस तरह कुछ हमारा मैप। यहां पर है जम्मू कश्मीर, यहां पर है हिमाचल प्रदेश, यहां पर उत्तराखंड, यहां पर है सिक्किम, और यहां पर है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों या संघ शासित प्रदेश में यह स्नो लेपर्ड पाया जाता है। और यह कहां पर देखने को मिलेगा? तो हिमालय में 3000 मीटर से ऊपर यह स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा। एक बार फिर से देख लो, बर्फ में रहने वाले तेंदुए का आवास उच्च हिमालय वृक्ष रेखा 3000 मीटर से ऊपर होता है। वे जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। चलिए आंसर बताइए, बर्फ में रहने वाले तेंदुए का आवास उच्च हिमालय में कितने मीटर से ऊपर होता है? बर्फ में रहने वाले तेंदुए का आवास उच्च हिमालय में कितने मीटर से ऊपर होता है?
तो स्नो लेपर्ड हिमालय में 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर निवास करते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बर्फ में रहने वाले तेंदुए निम्न में से किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं? बर्फ में रहने वाले यह तेंदुए निम्न में से किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं? तो मैंने आपको 5 राज्यों के नाम बताए, एक संघ शासित प्रदेश भी शामिल है जम्मू कश्मीर। तो उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यह तीनों हिमालयी राज्य है। यहां पर आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और बर्फों में रहने वाले तेंदुओं व उनके आवास के संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, क्या प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था? याद रखना, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब लागू किया गया था? वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था। और इसका अन्य उद्देश्य स्थानीय समुदायों में स्नो लेपर्ड की महत्ता के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करना भी था। इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों ऐसे फैक्ट इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं जो कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं, और ऐसे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। कैसा फैक्ट? कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब प्रारंभ हुआ था? साल 2009 में। और इसका उद्देश्य क्या था? स्थानीय समुदायों में स्नो लेपर्ड की महत्ता के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करना भी था। आंसर बताइए, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब प्रारंभ किया गया था? दो बार तो बता दिया, और बीच में मैं क्वेश्चन इसीलिए रखता हूं ताकि आपका ध्यान विचलित न हो। आप यहां स्क्रीन पर यदि नजर रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं वो अच्छी तरह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भारत सरकार ने लॉन्च किया था साल 2009 में। आगे गंगा डॉल्फिन की बात करें, इमेज में आप देख सकते हैं गंगा डॉल्फिन। वन व पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में नामांकित किया है। क्या यह गंगे टीके डॉल्फिन को हमारे भारत देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? और डॉल्फिन गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। दो रिवर में यह गंगा डॉल्फिन देखने को मिलेगी, एक तो गंगा और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। और गंगा की डॉल्फिन विश्व की स्वच्छ जल में पाई जाने वाली 4 लाचार यानी कि ऑब्लिगेट डॉल्फिन में से एक है। यह मीठे पानी की मछली है, यानी कि डॉल्फिन मीठे पानी में ही रह सकती है। और दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी काफी मीठा है, इसीलिए यह नदियों में आपको देखने को मिलेगी। और गंगा डॉल्फिन विश्व की स्वच्छ जल में पाई जाने वाली 4 लाचार डॉल्फिन में से एक है। अन्य 3 ताजा जल की डॉल्फिन कौन कौन सी है? तो एक है बेजी, और यह बेजी कौन सी नदी में पाई जाती है? यांगत्ज़े क्यांग। दूसरी है इंडस, और यह पाकिस्तान की जो भुलान नदी है वहां पर पाई जाती है। और तीसरी है अमेजन नदी का बोटो। तो यह 3 और डॉल्फिन की प्रजातियां है, याद रखना, बेजी, यांगत्ज़े क्यांग, इंडस पाकिस्तान की भुलान नदी में, अमेजन नदी की बोटो यह भी एक डॉल्फिन का ही प्रकार है। तो ये 4 प्रजातियां या तो नदी में अथवा तो झीलों में रहती है। और गंगे टीके डॉल्फिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में पाई जाती है। इनके अलावा यह डॉल्फिन की 3 प्रजातियों के नाम याद रख लेना, बेजी, इंडस, बोटो। बेजी यांगत्ज़े क्यांग यानी कि चीन में, इंडस भूलान में, और बोटो अमेजन रिवर में। चलिए आंसर बताइए। वन व पर्यावरण मंत्रालय ने किसको राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में नामांकित किया है? हमारे यह मंत्रालय ने गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में नामांकित किया है। सही आंसर ऑप्शन बी। डॉल्फिन निम्न में से किस नदियों में पाई जाती है? निम्न में से किस नदियों में डॉल्फिन पाई जाती है? लेकिन मैं इंडियन गंगे टीके डॉल्फिन की बात कर रहा हूं। तो यह डॉल्फिन पाई जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और गंगा नदी डॉल्फिन को जल प्रदूषण, मछली के जाल में फंसने तथा तेल के लिए मार दिए जाने से खतरा है। यह गंगे टीके डॉल्फिन को क्यों खतरा है? जल प्रदूषण के कारण यह गंगे टीके डॉल्फिन की मौत हो रही है, मछली के जाल में फंसने की,
या तो तेल के लिए मार दिया जाता है मछली को। इसके अतिरिक्त बांधो व बैराजों का निर्माण डॉल्फिन की जनसंख्या में कमी हेतु उत्तरदायी है। यदि हम किसी भी नदी पर बांध बांधते हैं या बैराज का निर्माण किया जाता है तो यह डॉल्फिन की जनसंख्या में कमी हेतु उत्तरदायी है। और भारत सरकार ने डॉल्फिन के संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम संचालित किया है। चलिए आंसर बताइए, डॉल्फिन की जनसंख्या में कमी का कारण क्या है? पटो, डॉल्फिन की जनसंख्या में कमी आने का कारण क्या है? एक तो जल में प्रदूषण बढ़ रहा है, मछली के लिए, मछली के तेल के लिए यह डॉल्फिन का शिकार किया जाता है, बांधों व बैराजों के निर्माण के कारण भी यह डॉल्फिन की में कमी आ रही है, जनसंख्या कम हो रही है। तो उपर्युक्त सभी रीजन से डॉल्फिन की जनसंख्या में कमी आ रही है, सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे हेंगुल प्रोजेक्ट की बात करें, क्या हेंगुल? हेंगुल को दोस्तों कश्मीरी बारहसिंगा भी कहा जाता है। हेंगुल एक विशेष प्रकार का हिरन है। इमेज आप देख सकते हैं, ये रहा हेंगुल। हेंगुल क्या है? एक विशेष प्रकार का हिरन है जो कश्मीर में पाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि हेंगुल कहां पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और हेंगुल एक संकटापन्न यानी कि एंडेंजर्ड प्राणी है। अधिकतर हेंगुल श्रीनगर के निकट स्थित दचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित है। मैंने यहां तीन सेंटेंस में तीन महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखे। हेंगुल क्या है? हेंगुल एक हिरन है। हेंगुल कहां पाया जाता है? कश्मीर में पाया जाता है। हेंगुल कश्मीर में कहां पाया जाता है? तो श्रीनगर के निकट दचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित है, वहां पर पाया जाता है। चलिए अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हेंगुल एक विशेष प्रकार का हिरन कहां पाया जाता है? हेंगुल नामक एक विशेष प्रकार का हिरन यह पाया जाता है कश्मीर में। दूसरा क्वेश्चन, दचीगाम नेशनल पार्क किस जानवर के कारण प्रसिद्ध है? दचीगाम नेशनल पार्क किस जानवर के कारण प्रसिद्ध है? आपका ध्यान यहां पर ही था ना? ओके, वेल डन, सही आंसर ऑप्शन डी। आगे दोस्तों लाल पांडा प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट रेड पांडा की बात करें, बहुत ही सुहावना यह प्राणी। भारत में लाल पांडा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा दार्जिलिंग के आसपास पाया जाता है। याद रखना कि यह लाल पांडा हमारे भारत देश में कहां पाया जाता है? तो दो राज्य जो उत्तर पूर्व स्टेट है, एक तो अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है सिक्किम। इसके अलावा दार्जिलिंग के आसपास पाया जाता है, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। और यह 1500 फीट से लेकर 4000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1966 में पद्मजा नायडू हिमालय पार्क की स्थापना की थी। क्या यहां से भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन निकल सकता है कि भारत सरकार ने लाल पांडा के संरक्षण हेतु कौन से पार्क की स्थापना की थी? पद्मजा नायडू हिमालय पार्क की स्थापना की थी। और यह पार्क कब स्थापित किया गया? 1966 में। याद रख लिया, सभी फैक्ट याद रख लिए। आगे मैं आपको क्वेश्चन पूछू। ओके, भारत सरकार ने किसके संरक्षण के लिए पद्मजा नायडू हिमालय पार्क की स्थापना की थी? भारत सरकार ने पद्मजा नायडू हिमालय पार्क की स्थापना की थी किसके लिए? लाल पांडा को संरक्षण प्रदान करने के लिए। सही आंसर ऑप्शन डी। आगे मणिपुर थामिन प्रोजेक्ट की बात करें, आप शायद पहली बार सुनते होंगे कि यह थामिन है क्या। इमेज में देखिए, यह है मणिपुरी थामिन, वो एक प्रकार का हिरन ही है। कश्मीर में कौन सा हिरन? हेंगुल। ओके, तो यह मणिपुर में कौन सा हिरन? नाम है थामिन। थामिन एक विशेष प्रकार का हिरन है जो मणिपुर के जंगलों में पाया जाता है। इसकी गणना दुर्लभ प्राणियों की सूची में की जाती है और इसके संरक्षण तथा संख्या वृद्धि के लिए विशेष योजना 1977 में आरंभ की गई थी। याद रख लिया, एक बार फिर से पढ़ लो क्योंकि आगे मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं। थामिन एक विशेष प्रकार का हिरन मणिपुर के जंगलों में पाया जाता है, इसकी गणना दुर्लभ प्राणियों की सूची में की जाती है, इसके संरक्षण तथा संख्या वृद्धि के लिए विशेष योजना कब तैयार की गई थी? 1977 में। चलिए
आंसर बताइए। थामिन एक विशेष प्रकार का हिरण किस राज्य के जंगलों में पाया जाता है? यह थामिन मणिपुर के जंगलों में पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी। थामिन के संरक्षण तथा संख्या वृद्धि के लिए विशेष योजना भारत सरकार ने कब आरंभ की थी? भारत सरकार ने यह थामिन के संरक्षण तथा संख्या वृद्धि के लिए एक विशेष योजना आरंभ की थी 1977 में। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में कई सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे प्रोजेक्ट की बात मैंने इस वीडियो में की। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, वाकई में अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक ऐसे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट नहीं, वीडियो को खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।